निर्वाचन आयोग ने पर्यावरण अनुकूल चुनाव सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। इन चीजों पर दिया जोर, चुनाव आयोग ने पर्यावरण अनुकूल चुनाव सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। आयोग के निर्देशों में एकल उपयोग प्लास्टिक से बचने, कागज का न्यूनतम इस्तेमाल करने, पर्यावरण अनुकूल वाहनों का उपयोग करने और कार पोल करने पर जोर दिया गया है। पर्यावरण अनुकूल चुनाव के प्रति आयोग संवेदनशील। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के अनुसार आयोग पर्यावरण अनुकूल चुनाव के प्रति संवेदनशील है। उन्होंने शनिवार को लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करने के लिए आयोजित संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा कि हम एकल उपयोग प्लास्टिक को कम करने और चुनाव प्रक्रिया में पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रहे हैं। अपशिष्ट प्रबंधन, कागज का न्यूनतम उपयोग करने और कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए चुनाव मशीनरी और राजनीतिक दलों को निर्देश जारी किए गए हैं। चुनाव आयोग ने कार पोलिंग का किया आग्रह। आयोग ने मतदाता सूची और चुनावी सामग्री के लिए कागज के उपयोग को कम करने, दोनों ओर मुद्रण सुनिश्चित करने और संचार के इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों को प्रोत्साहित करने को कहा है। आयोग ने अधिकारियों और राजनीतिक दलों के प्रचार और चुनाव प्रक्रिया के दौरान कार पोलिंग को प्रोत्साहित करने का आग्रह किया है। इसके साथ ही प्रचार कार्यक्रमों के लिए सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करने, अधिकारियों एवं मतदाताओं द्वारा तय की जाने वाली दूरी को कम करने के लिए मतदान केंद्रों को समेकित करने का भी आग्रह किया है। 7 चरणों में होगा चुनाव। लोकसभा की 543 सीटों के लिए मतदान 7 चरणों में होगा। मतदान की शुरुआत 19 अप्रैल को होगी। पहले चरण में 102 सीटों पर मतदान होगा। वोटों की गिनती 4 जून को होगी। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया। दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सोहागी बाईपास।